हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन डियर 5045 डी और महिंद्रा 575 डी आई, और दोनों ही 45 हॉर्स पावर के हैं। और इनमें क्या खासियत है आज मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए बताते हैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। 3 साइलेंडर है और 2100 RPM है जॉन डियर की, और कूलेड है इंजन इनका, और ओवरफ्लो रिजर्वायर है और नेचुरली एस्पायर्ड है लोगों ने। RPM इंजन की है जॉन डियर की वो 2100 है, और इसकी महिंद्रा की 1900 है, और हॉर्स पावर इंजन की तो आपको पता ही है 45 हॉर्स पावर की है दोनों। डिस्प्लेसमेंट सीसी महिंद्रा की दे रखी है 2730 और जॉन डियर की यहाँ 100 नहीं कर रहे हैं। और कूलिंग सिस्टम दोनों में यही है, कूलेंट वाला ही है, और इसके अंदर वाटर कूल्ड है, दोनों टाइप डीजल ही है दोनों के अंदर देख सकते हैं। और 3 सिलेंडर है ये जॉन डियर, तो महिंद्रा 576 है ये 4 सिलेंडर है। और इनके एयर क्लीनर फिल्टर है जो वो ड्राई टाइप का है जॉन डियर का, तो डबल एलिमेंट है मतलब कि इसको साफ करना पड़ेगा। और इसका साइलोनिक है क्योंकि इसके अंदर सीधा फ्यूल डालते हैं, और ये जब गाढ़ा हो जाता है फ्यूल तो इसे साफ कर लेते हैं। और उसके बाद करते हैं ट्रांसमिशन की दोनों के, चार रिवर्स है इसके महिंद्रा के, तो जितने 4 आगे के हैं और 4 लो है, और एक गियर है तो ब्रेक के लिए है। और जॉन डियर में ये 4 रिवर्स दे रखे हैं कलर शिफ्ट है। मैक्सिमम स्पीड है इनकी जो जॉन डियर की है 30 किलोमीटर है, और महिंद्रा की 29 किलोमीटर है। कुछ फर्क नहीं है बस महिंद्रा अच्छा है। और ब्रेक गियर में स्पीड 13 किलोमीटर है जॉन डियर की, और इसकी 11 किलोमीटर है, कोई खास फर्क नहीं है वैसे। और 8 गियर है टोटल इसके जॉन डियर के। गियर में बॉक्स है वो भी फ्रंट साइड में है, और इसका महिंद्रा 576 का 8 गियर है और बॉक्स बीच में दे रखा है। फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल है दोनों साइड, और ऑयल एवरेस्ट ब्रेक है दोनों की सेम ब्रेक है। क्लच है वो मैं बताता हूँ आपको, क्लच सिंगल और डुअल दोनों का ऑफर दे रखा है जूनियर में, और इसके अंदर डुअल है क्लच पावर टेक ऑफ क्लच है। जैसे पी टी ओ आर के 540 बेटर है 540, और पी टी ओ हॉर्स पावर नहीं दे रखे जॉन डियर वालों ने, और महिंद्रा वालों का है 42। इंडिपेंडेंट 6 स्लिप मतलब कि 6 खांचे होते हैं, करता है ही है तो उनके अंदर, और स्टीयरिंग व्हील पावर में आता है, दोनों दोनों ऑप्शन होते हैं इसके अंदर।
40 लीटर मतलब कि तेल का खर्च कम है, ये तो आपको पता ही होगा। हाइड्रोलिक मैं आपको बता देता हूँ, 1600 kg लोअर लिंक, इसके अंदर मतलब दो डेयर के ऑप्शन में, इसमें सिंगल है 1600 kg, 1.3 लीटर है इसके, स्पेसिफिकेशन से है जहाँ पर जो भी है ना वो अच्छा है, कुछ स्पेसिफिकेशन से है जहाँ पर महिंद्रा है उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपको जो बेटर लगा